मायाधारी हैरानी के साथ कहती है, वादा? कैसा वादा? दिलीप मायाधारी को एकटक नजर से देखते हुए बड़े ही गुस्से के साथ कहता है, यही कि तुम उस यक्षिणी को छोड़ोगी नहीं, मार दोगी उसे, उससे हम सबको मुक्ति दिलाओगी। मायाधारी दिलीप को अपने ऊपर विश्वास दिलाते हुए कहती है, इसमें वादा मांगने की क्या जरूरत है, मेरे तो अब जीवन का मकसद ही उस यक्षिणी को मारना है। मैं उससे अपना बदला लेकर रहूंगी। जिस तरह उसने मेरी आंखें नोची है, उसी तरह मैं भी उसकी आंखें नोचूंगी। बस एक बार मुझे मेरी शक्तियां वापस मिल जाएं, फिर मैं उस यक्षिणी को छोड़ूंगी नहीं। मुझे जल्द से जल्द साधना शुरू करनी होगी। मुझे उस जगह पर लेकर चलो। कहां पर है वो जगह? दिलीप मायाधारी के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, वो जगह माया नगरी में है। वहां पर एक गुफा है जहां पर तुम आराम से साधना कर सकती हो। मैं खुद तुम्हें उस जगह पर ले चलता हूँ, चलो मेरे साथ। मायाधारी हड़बड़ाहट के साथ कहती है, हाँ हाँ चलो जल्दी। इतना कहकर मायाधारी ने अपने दो तीन कदम आगे बढ़ाए ही थे कि वो रुक जाती है। जैसे ही मायाधारी रुकती है, दिलीप को कुछ अजीब लगता है। वो तुरंत मायाधारी से पूछता है, क्या हुआ मायाधारी, तुम रुक क्यों गई? मायाधारी को नदी के बहने की आवाज सुनाई दे रही थी। वो समझ गई थी कि नदी का किनारा किस तरफ था। मायाधारी नदी की तरफ देखते हुए कहती है, यहाँ पर कुछ है जो मुझे चाहिए। दिलीप झट से मायाधारी से पूछता है, क्या चाहिए मायाधारी तुम्हें? मायाधारी खोए हुए अंदाज में कुछ सोचते हुए कहती है, कुछ सामान है मेरा यहाँ पर जिसकी मुझे जरूरत पड़ेगी, जिसे वक्त के साथ मैं फिर से जीवित कर सकती हूँ, पर उसे ऐसे नहीं निकाल सकते, उसे रखने के लिए। इतना कहकर मायाधारी फिर चुप हो जाती है। वो कुछ सोचने लग जाती है। दिलीप परेशान होते हुए कहता है, तुम क्या बोल रही हो मायाधारी, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, यहाँ से क्या चाहिए तुम्हें? मायाधारी अपना सिर आजू बाजू हिलाते हुए कहती है, यहाँ पर ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है, अगर वो यक्षिणी आ गई तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी। पहले तुम चलो यहाँ से, मैं तुम्हें रास्ते में सब बताती हूँ कि मुझे क्या क्या चाहिए और तुम कैसे वो मुझ तक ला सकते हो। दिलीप को मायाधारी की बात सही लगती है और वो उसकी बातों में हामी भरते हुए कहता है, तुम ठीक कहती हो, पहले हमें यहाँ से निकलना चाहिए, तुम चलो मेरे साथ। दिलीप के कदम बढ़ाते ही मायाधारी भी उसके साथ जाने लग जाती है। दिलीप मायाधारी को माया नगरी लेकर जा रहा था जहाँ पर सात गुफाएं थी। उन्हीं सातों गुफाओं में से एक गुफा में मायाधारी अपना मायाजाल बिछाने वाली थी, अपनी एक ऐसी दुनिया बनाने वाली थी जिसमें आगे चलकर कई सिद्धियां हासिल करने वाली थी। एक तरफ दिलीप मायाधारी को माया नगरी ले जाने के लिए निकल गया था, तो वहीं दूसरी तरफ यक्षिणी ने अनुराग को मायाधारी की पूरी कहानी सुना दी थी। उसने अनुराग को मायाधारी के बारे में सब कुछ बता दिया था, उसकी हर एक बात, उसकी छोटी से छोटी कमजोरी से लेकर उसकी बड़ी से बड़ी ताकत तक। सारी बात सुनाने के बाद यक्षिणी कहती है, आप बताइए लेखक बाबू, क्या मैंने गलत किया उस मायाधारी की आंखें निकालकर? अगर मैं उसकी आंखें नहीं निकालती तो मेरे जुगनू कभी जिंदा नहीं हो पाते, उसका जादू कभी नहीं टूट पाता। अनुराग यक्षिणी के साथ हमदर्दी जताते हुए कहता है, नहीं यक्षिणी, तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुमने जो किया सही किया। यक्षिणी नम आंखों के साथ अनुराग को देखते हुए कहती है, बस एक आप ही हैं लेखक बाबू जो मुझे समझते हैं, वरना ये पूरी दुनिया तो मुझे बुरी ही समझती है। यक्षिणी की बात सुनकर अनुराग को न जाने क्या हो जाता है। वो यक्षिणी को एकटक नजर से देखते हुए कहता है, तुम बिल्कुल बुरी नहीं हो यक्षिणी, बहुत अच्छी हो, बहुत अच्छी। इतना कहकर अनुराग यक्षिणी को अपनी बाहों में भर लेता है। एक दूसरे को बाहों के आगोश में भरते ही वो दोनों कब बिस्तर पर आ जाते हैं और कब उनकी आंख लग जाती है, उन दोनों को पता ही नहीं चलता। जब अनुराग की आंख खुलती है तो वो देखता है कि घड़ी में दोपहर के 2 बज चुके थे और यक्षिणी अनुराग की आंख खुलने से पहले ही वहां से जा चुकी थी। अनुराग को पता था कि यक्षिणी कहां गई थी, इसलिए इस बार वो उसे बिल्कुल नहीं खोजता है। उसे पता था कि रात होते ही वो वापस आ जाएगी। टेबल पर ही चाय रखी हुई थी जो अभी तक गर्म थी, जैसे यक्षिणी उसमें जादू करके गई हो कि वो तभी ठंडी होने लगे जब अनुराग की आंख खुले। अनुराग बिस्तर पर से उठता है और हमेशा की तरह सिगरेट जलाता है और उसका कष्ट खींचते हुए रात के बारे में सोचने लग जाता है। मैं कल रात भी यक्षिणी से भक्षानर के बारे में नहीं पूछ पाया, पूरी रात मायाधारी की कहानी सुनने में निकल गई, आखिर ये हो क्या रहा है, मैं यक्षिणी से भक्षानर के बारे में पूछ क्यों नहीं पा रहा हूँ। अनुराग परेशान होने लग जाता है और यही सब सोचने लग जाता है। अनुराग खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, हर बार कोई ना कोई अड़चन आ जाती है, पर इस बार मैं कोई अड़चन नहीं आने दूंगा, चाहे कुछ भी हो, आज रात मैं यक्षिणी से भक्षानर के बारे में पूछ कर ही रहूंगा, कोई और कहानी या किसी किरदार के बारे में उससे सुनूंगा ही नहीं।
वो सुनाएगी तो भी उसे मना कर दूंगा। कहूंगा मुझे बस भक्षानर की कहानी सुननी है और किसी की कहानी नहीं सुननी है। इतना कहकर अनुराग फिर से सिगरेट के कश खींचने लग जाता है और सिगरेट के कश खींचते हुए ही अपनी कुर्सी पर बैठता है और डायरी खोलकर वो पेज निकालता है जिसमें उसने यक्षिणी की कहानी के किरदारों के नाम लिखे हुए थे। पहले यक्षिणी का नाम लिखा था, फिर भक्षानर, फिर महाडायन, फिर अघोरी। अनुराग कलम उठाकर अघोरी के नाम के नीचे एक और नाम लिखने लग जाता है और वो नाम था महाडायन। अनुराग उन नामों को देखते हुए बड़बड़ाता है, ये अघोरी और महाडायन के बारे में तो पता चल गया, इनके ऊपर मैं चैप्टर आसानी से लिख सकता हूँ। अब बस इस भक्षानर और महाडायन के बारे में पता करना बचा है। एक बार इस भक्षानर के बारे में पता चल जाए तो महाडायन के बारे में तो पता चल ही जाएगा, फिर कहानी की नींव बननी तैयार हो जाएगी। जब तक कहानी की नींव बनकर तैयार नहीं होती है उसे लिखने में मजा नहीं आता है। अनुराग कुर्सी पर बैठे बैठे ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसका मोबाइल बजने लग जाता है। जब उसकी नजर मोबाइल पर पड़ती है तो देखता है कि उसे एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। अनुराग मोबाइल देखकर अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, ये नए नंबर से कौन कॉल कर रहा है, जरा देखो तो। अनुराग कॉल रिसीव करते हुए कहता है, हेलो कौन? मोबाइल के अंदर से आवाज आती है, कैसे हैं लेखक बाबू? अनुराग मुंह बनाते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ पर माफ कीजिएगा मैंने आपकी आवाज पहचानी नहीं, आप कौन? मोबाइल के अंदर से आवाज आती है, मैं हूँ लेखक बाबू जगदीश, फ्लाई ड्रीम पब्लिकेशन से, याद आया कुछ? अनुराग जगदीश की आवाज को पहचानते हुए कहता है, अरे आप हैं? अनुराग इसके आगे कुछ कहता उससे पहले ही जगदीश बोल पड़ता है, जी हाँ मैं। वो क्या है ना, प्रशांत किताबें खरीदने आया था तो उसी से आपका नंबर लिया है, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अनुराग नॉर्मल वे में कहता है, जी हाँ कहिए ना, क्या बात करनी थी आपको? जगदीश कहता है, वो मैं उस दिन आपसे लघु कथाएं लेकर आया था ना पढ़ने के लिए। अनुराग जगदीश को बीच में टोकते हुए कहता है, जी हाँ कैसी लगी आपको मेरी कहानियाँ? जगदीश की आवाज आती है, कहानियाँ तो बहुत जोरदार हैं, एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाली, उसी सिलसिले में तो आपको कॉल किया है, हम आपकी कहानियाँ छापने के लिए तैयार हैं। जैसे ही अनुराग जगदीश के मुंह से ये बात सुनता है तो वो खुशी से फूले नहीं समाता है। उसे खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि कोई पब्लिशिंग हाउस उसकी किताब छापने के लिए तैयार हो गया था, वो भी बिना कोई पैसे दिए। अनुराग को ये सब यक्षिणी के जादू का कमाल लग रहा था। उसे लग रहा था कि ये सब यक्षिणी की मेहरबानी थी जो भी उसके साथ हो रहा था। जगदीश अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, कुछ ही हफ्ते में एडिटिंग का काम पूरा हो जाएगा और फिर आपकी किताब बाजार में आ जाएगी, पर एडिटिंग कंप्लीट होने से पहले आप किताब का नाम क्या रखना है ये बता देते तो अच्छा होता। आपकी किताब है तो आप ही बताइए क्या नाम रखें। हमारे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि इन 10 कहानियों में से किसका टाइटल रखें। 10 की 10 कहानियां बेस्ट हैं। अनुराग कुछ सोचते हुए कहता है, टाइटल क्या रख सकते हैं, टाइटल सब शॉर्ट स्टोरी है तो। इतना कहकर अनुराग सोच में डूब जाता है। तभी उसका दिमाग झट से चलता है और वो तुरंत बोल पड़ता है, एक काम कीजिए, आपने किताब का नाम डर के 10 किस्से रख दीजिए। जगदीश तुरंत बोल पड़ता है, ये तो एकदम परफेक्ट नाम है, कहानियां 10 हैं और 10ों डर से भरी हैं, तो ये नाम एकदम ठीक जमेगा। वाह लेखक बाबू, क्या नाम बताया है आपने, एकदम अपनी कहानियों की तरह मस्त। अनुराग मुस्कुराने लग जाता है, पलट कर कुछ नहीं कहता है। जगदीश की फिर आवाज सुनाई देती है, आप तो ना अपनी अगली कहानी जल्द से जल्द कम्प्लीट कीजिए, मैं तो अभी से उसे छापने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। ये बताइए यक्षिणी की कहानी पूरी हुई कि नहीं? अनुराग मायूसी के साथ कहता है, जी नहीं बस उसी में लगा हुआ हूँ, पर जल्दी ही वो कहानी भी पूरी हो जाएगी। जगदीश कहता है, तो चलिए आप यक्षिणी की कहानी कंप्लीट कीजिए, जब तक हम इस किताब को एडिट करते हैं। जैसे ही ये काम कंप्लीट होगा मैं आपको सैंपल कॉपी भेज दूंगा। अनुराग हामी भरता है और उसी के साथ फोन भी कट कर देता है। अनुराग खुश होते हुए खुद से बड़बड़ाता है, यक्षिणी तो सच में मेरे लिए बहुत लकी है। बताओ वो कहानियाँ जो मुझे लगा था किसी काम नहीं आएगी, अब उन पर किताब छपने जा रही है, वो भी इतनी जल्दी। सब यक्षिणी का जादू है, बस एक बार ये यक्षिणी की कहानी कंप्लीट हो जाए फिर सबका उस पर जादू सिर चढ़कर बोलेगा। अनुराग यक्षिणी की कहानी लिखने के लिए बैठता तो है पर उसका लिखने में मन नहीं लगता है, और जब भी उसका कहानी लिखने में मन नहीं लगता था उसकी पुरानी आदत थी, वो कोई ना कोई किताब पढ़ने बैठ जाया करता था। अनुराग जिस कमरे में बैठा था उसी कमरे में कई सारी किताबें रखी हुई थी जो उसके पिताजी की थी, जो वो बचपन में पढ़ता था।
अनुराग उन्हीं किताबों में से आचार्य चतुरसेन की एक किताब वयम रक्षाम निकालता है और उसी को पढ़ने बैठ जाता है। जब वो उस किताब को पढ़ लेता है तो वो आचार्य चतुरसेन की ही एक और किताब रक्त की प्यास निकालता है और उसे पढ़ना शुरू कर देता है। अनुराग ऐसा ही था, उसे जो लेखक के लिखने का तरीका भाता था वो उसकी सारी किताबें पढ़ मारता था, चाहे वो किताब प्रचलित हो या फिर ना हो। अनुराग पूरा दिन किताबें पढ़ने में ही गुजार देता है, कुछ नहीं लिखता है। किताबें पढ़ते पढ़ते ही कब उसकी आंख लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता है। जब रात होती है और वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि उसके सामने यक्षिणी बैठी हुई थी, जो कहीं और नहीं टेबल पर बैठी हुई थी। जैसे ही अनुराग अपनी आंखें खोलता है, यक्षिणी बड़े प्यार से अनुराग के बालों पर हाथ फेरते हुए कहती है, आप उठ गए लेखक बाबू, मैं आपके उठने का इंतजार कर रही थी। अनुराग यक्षिणी को देखते हुए कहता है, तुम आ गई यक्षिणी। यक्षिणी मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे तो आना ही था लेखक बाबू, मैं आपको छोड़कर भला कहां जा सकती हूँ। अनुराग के मन में आता है कि वो उसी वक्त यक्षिणी से पूछ बैठे कि भक्षानर कौन था, पर उसे याद आता है कि पिछली रात भी उसने जल्दबाजी ही दिखाई थी, जिस कारण यक्षिणी उससे नाराज हो गई थी और फिर उसे यक्षिणी को मनाना पड़ा था। इस बार अनुराग ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहता था, इसलिए वो ना चाहते हुए भी उसकी तारीफ करते हुए कहता है, तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो यक्षिणी, मेरी तो तुमसे नजर ही नहीं हट रही, मन करता है तुम्हें बस ऐसे ही प्यार से निहारता रहूं, इस काली साड़ी में तुम कमाल लगती हो। यक्षिणी अजीब सी मुस्कान के साथ कहती है, कमाल तो मैं लगूंगी ही ना लेखक बाबू, आखिर इसी काली साड़ी में तुम्हें मर्दों को अपना शिकार बनाया करती थी, उनका दिल कच्चा खा जाया करती थी। ये साड़ी ऐसे ही काली नहीं हुई है, इस काली साड़ी में मैंने कई काले कर्म किए हैं। जब अनुराग यक्षिणी के मुंह से ये बात सुनता है तो उसे बहुत अटपटा लगता है कि आज उससे यक्षिणी ऐसे कैसे बात कर रही थी। यक्षिणी के बात करने का लहजा कुछ बदला हुआ था। अनुराग कुछ देर उससे और बात करता है और फिर बातों को घुमाते हुए मुद्दे की बात पर आते हुए कहता है, तुम्हें नहीं लगता यक्षिणी तुम कुछ भूल रही हो। यक्षिणी जानबूझकर अनजान बनते हुए कहती है, मैं भूल रही हूँ, पर क्या लेखक बाबू। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। यक्षिणी जानबूझकर अनजान बनते हुए कहती है, मैं भूल रही हूँ, पर क्या लेखक बाबू। अनुराग एक्साइटेड होते हुए जवाब देता है, मुझे कहानी सुनाना यक्षिणी, और क्या, तुम मुझे रात में कहानी तो सुनाने आती हो ना। यक्षिणी खामोश रहती है। अनुराग जानबूझकर बातों को घुमाते हुए कहता है, आज रात तुम मुझे कौन सी कहानी सुनाने वाली हो यक्षिणी, अपनी कहानी के कौन से किरदार के बारे में बताने वाली हो। यक्षिणी अनुराग के सवालों का कुछ जवाब देती उससे पहले ही अनुराग यक्षिणी की आंखों में देखते हुए हड़बड़ाहट के साथ अनजान बनते हुए कहता है, हाँ याद आया, आज रात तुम मुझे भक्षानर के बारे में बताने वाली थी। आज रात क्या यक्षिणी, तुम तो मुझे कई दिनों से भक्षानर के बारे में बताने का बोल रही हो, आज तुम मुझे उसी के बारे में बताना। यक्षिणी तुरंत ना में अपना सिर हिलाते हुए अनुराग को मना करते हुए कहती है, नहीं नहीं लेखक बाबू, मैं आपको भक्षानर के बारे में कुछ नहीं बता सकती। अनुराग हैरानी के साथ यक्षिणी से कहता है, नहीं बता सकती, पर क्यों यक्षिणी। यक्षिणी अनुराग को टालते हुए कहती है, बस नहीं बता सकती लेखक बाबू, कुछ सवालों के जवाब नहीं होते हैं। अनुराग पलटकर नाराजगी के साथ कहता है, दुनिया में ऐसा कोई सवाल नहीं यक्षिणी जिसका जवाब ना होता हो, और मुझे पता है तुम्हारे पास मेरे सारे सवालों के जवाब हैं। बस सच तो ये है कि तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। अनुराग के इतना कहते ही यक्षिणी अनुराग से अपनी नजरें चुराने लग जाती है। अनुराग फिर यक्षिणी के सामने जाते हुए कहता है, तुम इस तरह मुझसे नजरें चुराकर चुप खड़ी नहीं रह सकती यक्षिणी, आज तुम्हें मेरे सवालों के जवाब देने ही होंगे, बताना होगा कि क्यों तुम मुझे भक्षानर के बारे में नहीं बता सकती। यक्षिणी अपनी बात पर जोर देते हुए कहती है, आप क्या करेंगे लेखक बाबू भक्षानर के बारे में जानकर। अनुराग को चिढ़ते हुए कहता है, क्या करूंगा, ये तुम मुझसे पूछ रही हो यक्षिणी, तुम जानती हो ना मैं तुम पर कहानी लिख रहा हूँ, जब तुम मुझे भक्षानर के बारे में कुछ बताओगी तभी तो मैं उसके बारे में कुछ लिख पाऊंगा।
तुम समझ नहीं रही हो, मुझे ना उस पर पूरा एक चैप्टर लिखना है। यक्षिणी अनुराग को फिर मना करते हुए कहती है, आपको उस भक्षानर के बारे में कुछ भी लिखने की कोई जरूरत नहीं है लेखक बाबू, मैं नहीं चाहती मेरी कहानी में आप उसके बारे में कुछ भी लिखें। अनुराग पलट कर कहता है, ये तुम क्या बोल रही हो यक्षिणी, कैसी बातें कर रही हो, आखिर भक्षानर ही तो तुम्हारी कहानी का मुख्य किरदार है और तुम मुझे भक्षानर के बारे में ही लिखने से मना कर रही हो। यक्षिणी अनुराग को घूरते हुए कहती है, मेरी कहानी का मुख्य किरदार मैं हूँ, ना कि वो भक्षानर, समझे आप लेखक बाबू। अनुराग ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, तुम्हारी कहानी का मुख्य किरदार भले ही तुम हो यक्षिणी, पर तुम्हारी कहानी भक्षानर के बिना अधूरी है, आखिर उसी से तो तुम्हारी कहानी की शुरुआत हुई थी। यक्षिणी पलट कर कहती है, नहीं लेखक बाबू, मेरी कहानी की शुरुआत मुझसे हुई थी और खत्म भी मुझ पर ही होगी। अनुराग चुप खड़ा रहता है, यक्षिणी से कुछ नहीं कहता है। यक्षिणी अपनी बात पूरी करते हुए कहती है, आप मेरी एक बात अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिए लेखक बाबू, मैं नहीं चाहती कि आप भक्षानर के बारे में कुछ भी लिखें। अनुराग यक्षिणी की बातों से तंग आते हुए कहता है, पर क्यों यक्षिणी, क्यों तुम नहीं चाहती कि मैं भक्षानर के बारे में कुछ भी लिखूं? यक्षिणी पलट कर कहती है, क्योंकि मैं नहीं चाहती उसके बारे में किसी को भी कुछ पता चले, अगर आपने उसके बारे में लिख दिया तो सब उसके बारे में जानने लग जाएंगे, और अगर उस भक्षानर की शुरुआत का पता चल गया तो। अचानक से यक्षिणी घबरा जाती है और एकदम चुप हो जाती है। अनुराग यक्षिणी पर दबाव बनाते हुए कहता है, तो क्या यक्षिणी? यक्षिणी गुस्से के साथ बात को पलटते हुए कहती है, तो वो कुछ नहीं लेखक बाबू, आप बस इतना जान लीजिए कि मैं आपको भक्षानर के बारे में कुछ नहीं बताने वाली। अनुराग अभी भी अपनी बात पर अड़ते हुए कहता है, पर मेरा भक्षानर के बारे में जानना बहुत जरूरी है यक्षिणी। यक्षिणी गुस्से के साथ घूरते हुए अपनी लाल आंखें दिखाते हुए कहती है, आपने सुना नहीं लेखक बाबू मैंने क्या कहा, मैंने कहा मैं आपको भक्षानर के बारे में कुछ नहीं बताने वाली, ना ही आप आज के बाद मुझसे कभी भक्षानर के बारे में कुछ पूछना। यक्षिणी अपनी बात पूरी करते हुए अनुराग को चेतावनी देने के लहजे से चालाकी के साथ कहती है, और यदि आपने कभी मुझसे भक्षानर के बारे में पूछा तो मेरी बात ना मानने का अंजाम क्या होता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। जैसे ही यक्षिणी अनुराग से ये बात बोलती है, अनुराग को यक्षिणी की लाल आंखों में उसका डायन वाला रूप दिखने लग जाता है। उसे याद आता है कि किस तरह जब यक्षिणी मायाधारी से बार बार कह रही थी कि वो घाट से चली जाए, पर मायाधारी ने यक्षिणी की बात नहीं मानी थी, तो गुस्से में आकर यक्षिणी ने उसकी आंखें नोच ली थी। अनुराग को डर सताने लग जाता है कि कहीं यक्षिणी उसी तरह उसके हाथ ही ना काट दे। अनुराग को यक्षिणी से डर लगने लग जाता है और ये डर उसकी आंखों में साफ दिखाई दे रहा था। यक्षिणी गुस्से के साथ अनुराग को घूरे जा रही थी। एक पल के लिए तो अनुराग को लगने लग गया था कि कहीं अभी ही ना यक्षिणी उसे मार दे। अनुराग की जान हलक में आ गई थी। जब यक्षिणी भी कुछ नहीं बोलती है तो अनुराग अपना आखिरी हथकंडा अपनाते हुए यक्षिणी को इमोशनल करते हुए कहता है, तुम मुझसे प्यार नहीं करती यक्षिणी, तभी मेरे सामने ऐसी शर्त रख रही हो, अगर प्यार करती तो मुझसे कुछ नहीं छुपाती, भक्षानर के बारे में सब कुछ बता देती। यक्षिणी मन ही मन सोचने लग जाती है, अब मैं लेखक बाबू को कैसे बताऊं, मैं जो कर रही हूं उन्हीं के लिए कर रही हूं, मैं उन्हें भक्षानर के बारे में नहीं बता सकती। यक्षिणी मन ही मन अनुराग की फिक्र तो करती है, पर उसके सवालों का कुछ जवाब नहीं दे रही थी। अनुराग फिर नम आंखों के साथ बोल पड़ता है, तुम मुझसे प्यार नहीं करती यक्षिणी, तुम मुझसे प्यार नहीं करती। यक्षिणी खामोश खड़ी रहती है, अनुराग के सवालों का कुछ जवाब नहीं देती है। यक्षिणी की चुप्पी ने और उसकी शर्तों ने अनुराग का दिल तोड़ दिया था। अनुराग को यक्षिणी से नाराज होने पर मजबूर कर दिया था, इतना नाराज कि उसका यक्षिणी से बात करने का मन ही नहीं कर रहा था, ना ही उसकी तरफ देखने का, इसलिए अनुराग उस कमरे से बाहर निकल जाता है। यक्षिणी भी अनुराग को रोकती नहीं है, उसे जाने देती है। वो जानती थी कि अनुराग को कुछ देर एकांत की जरूरत थी। अनुराग दूसरे कमरे में आकर यक्षिणी के बारे में ही सोचने लग जाता है। वो सोचता है कि आखिर यक्षिणी ने उसके सामने ऐसी शर्त क्यों रखी थी, क्यों वो उसे भक्षानर के बारे में कुछ नहीं बता रही थी, क्यों उसने उससे वो सब कहा। इन्हीं सब सवालों के बारे में सोचते हुए अनुराग की आंख कब लग जाती है उसे पता ही नहीं चलता है। जब सुबह होती है अनुराग की आंख खुलती है तो वो सबसे पहले रूम नंबर 666 में जाता है और देखता है कि यक्षिणी वहां पर नहीं थी, वो वहां से जा चुकी थी। पर यक्षिणी हर दिन की तरह अनुराग के लिए चाय बनाकर गई थी जो उसकी टेबल पर ही रखी हुई थी। इस बार अनुराग सिगरेट तो जलाता है पर चाय को हाथ तक नहीं लगाता है।
कल रात के लिए वो यक्षिणी से अभी भी नाराज था। सिगरेट के कश खींचते हुए अनुराग फिर रात के सवालों के बारे में सोचने लग जाता है। वो सवाल बार बार उसे परेशान किए जा रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर यक्षिणी मुझे भक्षानर की कहानी के बारे में कुछ बता क्यों नहीं रही है, क्यों वो इतना हिचकिचा रही है। आखिर ऐसा क्या है उसकी कहानी में जिस कारण उसने हमारे प्रेम के रिश्ते को दांव पर लगा दिया। अनुराग इन्हीं सब सवालों के बारे में सोचने लग जाता है। अनुराग इन सब सवालों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी वो यक्षिणी से डरते हुए कहता है, यक्षिणी ने तो मुझे साफ मना कर दिया है कि मैं भक्षानर के बारे में उससे कुछ न पूछूं। अगर मैंने पूछा तो। इतना कहकर अनुराग खुद चुप हो जाता है। उसके हाथ पैर कपकपाने लग जाते हैं। अनुराग यक्षिणी से डरते हुए खुद से कहता है, यक्षिणी जब अपने डायन रूप में आती है तो उसका खुद पर कोई काबू नहीं होता है। उसे खुद होश नहीं रहता है कि वो क्या कर रही है। नहीं नहीं, मैं अब यक्षिणी से तो भक्षानर के बारे में कुछ नहीं पूछ सकता, पर मैं भक्षानर की कहानी को इस तरह छोड़ भी नहीं सकता। मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? अनुराग सोच में डूब जाता है कि वो क्या करे, कैसे भक्षानर के बारे में पता लगाए। दिन से रात हो जाती है। अनुराग को उसी टेबल पर बैठे बैठे वो सिगरेट के 3-4 पैकेट भी मारता है, पर उसके कुछ समझ नहीं आता है कि वो भक्षानर के बारे में कैसे पता लगाए। पर उस पूरे दिन भर में वो इतना तो समझ गया था कि वो यक्षिणी से भक्षानर के बारे में अब कुछ नहीं पूछ सकता था, और यदि उसने पूछा तो फिर यक्षिणी उसके लिए भी एक डायन बन जाती और उसका भी वही हाल करती जो वो बाकी के मर्दों का करती है। अनुराग खिड़की से बाहर झांकते हुए मन में सोचता है, रात हो गई, यक्षिणी अभी तक आई क्यों नहीं? अभी तक तो उसे आ जाना चाहिए था। यक्षिणी को लेकर अनुराग का मन बेचैन होने लग जाता है, तभी उसे पीछे से यक्षिणी की आवाज सुनाई देती है। आप क्या सोच रहे हैं लेखक बाबू? जब अनुराग यक्षिणी की आवाज सुनता है तब जाकर उसके दिल की बेचैनी कम होती है, पर वो ऐसे बर्ताव करता है जैसे उसे यक्षिणी के आने से कोई फर्क ही न पड़ रहा हो। वो ऐसे जताने लग जाता है कि वो कुछ लिखने में व्यस्त हो। यक्षिणी बड़े प्यार से अनुराग से कहती है, लेखक बाबू। ओ मेरे लेखक बाबू। अनुराग अभी भी कुछ रिएक्ट नहीं करता है, बस कुछ के कुछ कागज में लिखते रहता है। जब यक्षिणी की नजर टेबल पर रखे चाय के कप पर पड़ती है और वो देखती है कि उसमें अभी तक चाय थी, अनुराग ने उसे छुआ तक नहीं था, तो वो समझ जाती है कि अनुराग उससे अभी भी नाराज था। यक्षिणी चाय का कप उठाते हुए कहती है, आप तो मुझसे नाराज है ना लेखक बाबू, फिर मेरी नाराजगी मुझ पर निकालिए ना। चाय से कैसी नाराजगी? यक्षिणी चाय का कप अनुराग को देते हुए कहती है, लीजिए चाय पी लीजिए लेखक बाबू। जैसे ही यक्षिणी चाय के कप को छूती है चाय गर्म हो जाती है, उसमें से भाप निकलने लग जाती है। अनुराग यक्षिणी की तरफ देखता तक नहीं है। यक्षिणी अनुराग को मनाते हुए फिर प्यार से कहती है, चाय पी लीजिए ना मेरे प्यारे लेखक बाबू। इतना कहकर यक्षिणी अनुराग के मुंह के पास चाय के कप को ले जाती है। अनुराग मुंह बनाते हुए नाराजगी के साथ कहता है, मुझे चाय नहीं पीनी यक्षिणी। यक्षिणी अनुराग के साथ मजाक करते हुए कहती है, चाय नहीं पीनी तो क्या पीना है, मेरे लबों का रस पियेंगे आप? यक्षिणी की बात सुनकर अनुराग मन ही मन मुस्कुराने लग जाता है, पर यक्षिणी को इस चीज का एहसास नहीं होने देता है। अनुराग सख्त बनते हुए कहता है, मैंने कहा ना यक्षिणी मुझे चाय नहीं पीनी है, हटाओ इसे मेरे सामने से। यक्षिणी नाराजगी के साथ उस कप को नीचे रख देती है और मायूसी के साथ कहती है, ठीक है आपको चाय नहीं पीनी तो मत पीजिए, पर मुझसे बात तो कीजिए। अनुराग पलट कर कहता है, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी यक्षिणी, मुझे कहानी लिखने दो, मुझे जल्द से जल्द अपनी कहानी पूरी करनी है। यक्षिणी फिर बड़े प्यार से कहती है, लिख लेना लेखक बाबू, पर पहले मुझसे दो पल बातें तो कर लीजिए, इस तरह मुझसे रूठिए मत। अगर आप ही मुझसे रूठ जाएंगे तो मेरा क्या होगा, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन। इस बार अनुराग पलट कर कुछ नहीं कहता है। यक्षिणी भी खामोशी रहती है, बस मासूम नजरों के साथ एकटक अनुराग को देखते रहती है। जब 4-5 मिनट बैठने के बाद भी अनुराग यक्षिणी की तरफ देखता तक नहीं है, उससे कुछ नहीं कहता, तो यक्षिणी खुद नाराज होते हुए कहती है, ठीक है आपको मुझसे बात नहीं करनी तो मैं जा रही हूँ, मैं यहाँ पर रुक कर करूंगी क्या, जब मेरी किसी को परवाह ही नहीं है, मैं हंसू या रो किसी को क्या फर्क पड़ता है, मैं ही आपको अपनी जिंदगी मान बैठी थी, पर सच तो यह है कि मेरी कोई जिंदगी ही नहीं है, मेरी जिंदगी तो तभी खत्म हो गई थी जब मुझे अभिशाप मिला था। जब यक्षिणी ये बात बोलती है तो अनुराग अपनी नाराजगी भूलकर यक्षिणी की तरफ देखता तो है पर उससे कुछ कहता नहीं है। यक्षिणी नम आंखों के साथ अनुराग की आंखों में देखते हुए कहती है, मैं जा रही हूँ लेखक बाबू, फिर कभी आपके पास नहीं आऊंगी ना आपसे मिलूंगी, यह हमारी आखिरी मुलाकात है,
इतना कहकर यक्षिणी दरवाजे की तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाती है। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। यक्षिणी दरवाजे की तरफ अपने कदम बढ़ाने लग जाती है। यक्षिणी अभी दरवाजे तक पहुंची ही थी कि तभी अनुराग उसका हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही अनुराग यक्षिणी का हाथ पकड़ता है, यक्षिणी के कदम अपने आप थम जाते हैं। यक्षिणी दरवाजे की तरफ देखते हुए कहती है, मेरा हाथ छोड़ दीजिए लेखक बाबू, जाने दीजिए मुझे। अनुराग बड़े प्यार से यक्षिणी से कहता है, अपनी जिंदगी को ऐसे कैसे जाने दूं मैं यक्षिणी, तुम मेरी जिंदगी हो, ये तुम कैसे भूल सकती हो। यक्षिणी नाराजगी के साथ कहती है, नहीं लेखक बाबू, मैं आपकी जिंदगी नहीं हूँ, आपके लिए बस मेरी कहानी आपकी जिंदगी है। अनुराग तुरंत ना में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, नहीं यक्षिणी, ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी सिर्फ कहानी नहीं, तुम भी मेरी जिंदगी हो, और मैं तुम्हें कभी अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। कभी मुझसे दूर जाने की बात मत करना यक्षिणी, वरना मैं मर जाऊंगा। यक्षिणी तुरंत अनुराग के मुंह पर अपनी उंगली रखते हुए कहती है, ऐसा मत बोलिए लेखक बाबू। अनुराग अपनी बातों पर पछतावा करते हुए यक्षिणी से कहता है, मुझे माफ कर दो यक्षिणी, जो भी मैंने कहा, आज के बाद मैं तुमसे भक्षानर के बारे में कभी कुछ नहीं पूछूंगा, मेरे लिए तुम जरूरी हो, ना कि भक्षानर की कहानी। यक्षिणी अनुराग को एकटक नजर से देखते हुए कहती है, सच में लेखक बाबू। अनुराग हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ यक्षिणी, मेरे लिए तुम सबसे ज्यादा जरूरी हो, तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा हो, वो हिस्सा जो मेरी आखिरी सांस तक मेरे साथ रहेगा। तुम कभी अपने आप को अकेला मत समझना, मैं हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ यक्षिणी, एक पति की तरह। यक्षिणी बड़े प्यार से कहती है, क्या कहा, पति? अनुराग हामी भरते हुए कहता है, हाँ यक्षिणी, मैं तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर चुका हूँ। क्या तुम मुझे अपने पति के रूप में? अनुराग अपनी बात पूरी करता उससे पहले यक्षिणी उसे बीच में टोकते हुए कहती है, मैं तो कब से आपको अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ लेखक बाबू। विवाह के बंधन में बंधने के लिए गले में मंगलसूत्र और मांग में सिंदूर भरना ही जरूरी थोड़ी होता है। एक दूसरे को अपने दिल में बसाकर भी विवाह के बंधन में बंधा जा सकता है, और मैंने तो उसी रात आपको अपने दिल में बसा लिया था जिस रात आपका और मेरा मिलन हुआ था, उसी रात मैंने आपको अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया था। अनुराग यक्षिणी को अपनी बाहों में भरते हुए कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा यक्षिणी, मैंने भी तुम्हें उसी रात अपने दिल में बसा लिया था, तुम मेरी पत्नी हो, लेखक बाबू की पत्नी। अनुराग यक्षिणी के प्यार में इस तरह डूब गया था कि वो अपनी पत्नी चित्रा और बेटे युग को भूल ही गया था, उसे बस यक्षिणी दिखाई दे रही थी। यक्षिणी ने भी अनुराग को अपनी बाहों में भर लिया था, दोनों एक दूसरे के आलिंगन में मदहोश हो गए थे। यक्षिणी जानती थी कि अनुराग के लिए उसकी कहानी लिखना बहुत जरूरी था, आखिर अनुराग का सपना था एक महान लेखक बनना, और अब वो भी उसके इस सपने को सच करना चाहती थी। उसके लिए अनुराग के सपने ही अब उसके सपने बन गए थे, उसने अनुराग के साथ उसके सपनों को भी अपना लिया था। यक्षिणी ये बात भी अच्छे से जानती ही थी कि उसका अनुराग को उसकी कहानी और किरदारों के बारे में बताना बहुत जरूरी था, तभी अनुराग उसकी कहानी को आगे लिख सकता था। यक्षिणी मन ही मन कुछ सोचते हुए धीरे से अनुराग से कहती है, लेखक बाबू, मैं आपको भक्षानर के बारे में नहीं बता सकती तो क्या हुआ, मेरी कहानी में एक किरदार और भी है जो भक्षानर की तरह ही नीच पापी है। जैसे यक्षिणी ये बात बोलती है, अनुराग तुरंत यक्षिणी को अपनी बाहों से दूर करते हुए उससे पूछता है, वो दुष्ट कौन है यक्षिणी? यक्षिणी आक्रोश भरे लहजे में कहती है, रज्जन। अनुराग हैरानी के साथ यक्षिणी से पूछता है, रज्जन? कौन रज्जन? यक्षिणी अनुराग को रज्जन के बारे में बताते हुए कहती है, रज्जन एक यक्ष है लेखक बाबू, जो यक्षिण लोक में रहता है। अनुराग धीरे से कहता है, मतलब तुम्हारा लोक जहाँ से तुम आई हो? यक्षिणी हामी भरते हुए कहती है, हाँ लेखक बाबू, मैंने आपको बताया था ना, हमारे यक्षिणी लोक में कई यक्ष और यक्षिणी रहते हैं, उनमें से ही एक रज्जन है। रज्जन और मैं साथ में ही बड़े हुए, उसकी निगाहें बचपन से ही मुझ पर जमी हुई थी, पर उसकी निगाहों में मेरे लिए प्रेम नहीं बल्कि वासना थी।
जो मैं उसके छूने के अंदाज से ही समझ गई थी। मुझे लगा वक्त के साथ सब कुछ बदल जाएगा, पर कुछ नहीं बदला। जब वो युवावस्था में आया तो उसकी वासना मेरे लिए और बढ़ गई। वो बहाने ढूंढता रहता मेरे पास आने के और मैं उससे दूर रहने की कोशिश करती, पर मेरी ये कोशिश ज्यादा देर तक कायम न रह सकी। यक्षिणी एक लंबी आह भरते हुए कहती है, आपको ये तो मैंने बता दिया था कि मैं यक्षिण लोक की रानी कैसे बनी, पर मैंने आपको ये नहीं बताया कि यक्षिण लोक की रानी बनने के बाद मुझे क्या सजा मिली। अनुराग यक्षिणी को बीच में टोकते हुए कहता है, ये तुम क्या बोल रही हो यक्षिणी, रानी बनना तो सौभाग्य की बात है, इसमें सजा कैसी। यक्षिणी अनुराग की बात का पलटकर जवाब देते हुए कहती है, हर बड़ा से बड़ा ओहदा अपने साथ कई जिम्मेदारियां लेकर आता है और उसी के साथ लेकर आता है रूढ़िवादी प्रथाएं। अनुराग हैरानी के साथ पूछता है, रूढ़िवादी प्रथा, कैसी रूढ़िवादी प्रथा यक्षिणी। यक्षिणी कहती है, उस प्रथा के अनुसार जो भी यक्षिण लोक की रानी बनती है उसका विवाह यक्षिण लोक के सेनापति से किया जाता था। ये प्रथा यक्षिण लोक में शुरुआत से ही चली आ रही है, और आप जानते हैं लेखक बाबू यक्षिण लोक का सेनापति कौन बना। अनुराग एकदम धीरे से पूछता है, कौन यक्षिणी। यक्षिणी जवाब देती है, रज्जन लेखक बाबू। इसी के साथ यक्षिणी अनुराग को रज्जन की पूरी दास्तां सुना देती है कि सेनापति बनने के लिए उसने किन परीक्षाओं को पार किया था, वो हर चुनौती की कसौटी पर किस तरह खरा उतरा था, क्योंकि उसका मकसद सेनापति बनकर यक्षिण लोक की रक्षा करना नहीं बल्कि यक्षिणी के साथ विवाह करना था। वो यक्षिणी को पाना चाहता था, और किसी को पाने का जुनून जब आपके अंदर होता है तो इंसान हर मुश्किल को चुटकियों में पार कर देता है। जब यक्षिणी अनुराग को बता देती है कि किस तरह रज्जन सेनापति बना, तो उसके तुरंत बाद अनुराग यक्षिणी से कहता है, पर यक्षिणी तुमने तो कहा था कि यक्षिण लोक में स्त्रियों का वर्चस्व होता है, फिर तुमने ये सब होने से रोका क्यों नहीं। यक्षिणी अनुराग के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, प्रथाएं ही तो हैं लेखक बाबू जिसे हम चाह कर भी बदल नहीं सकते। अगर मैं रज्जन से विवाह करने से इनकार कर देती तो मुझे रानी के पद से निष्कासित तो किया ही जाता, साथ में यक्षिण लोक से भी निष्कासित कर दिया जाता, और फिर मैं कभी अपने लोक की सेवा नहीं कर सकती जो मेरा बचपन से सपना था। अनुराग यक्षिणी को एकटक नजर से देखते हुए पूछता है, फिर क्या हुआ यक्षिणी, क्या तुमने रज्जन से विवाह कर लिया। यक्षिणी जवाब देती है, हमारा विवाह होने ही वाला था लेखक बाबू, पर शायद ईश्वर को कुछ और ही मंजूर था। विवाह होने से पहले ही कई सालों से भक्षानर मेरी साधना कर रहा था और उसे दर्शन देने का वक्त आ गया था। रज्जन ने कई बार मुझे मना किया कि मैं भक्षानर को दर्शन देने ना जाऊं, पर मैंने उसकी बात नहीं मानी और पृथ्वी लोक पर आ गई, और तब से ही इसी लोक में हूँ। अनुराग तुरंत यक्षिणी से पूछता है, और फिर रज्जन का क्या हुआ यक्षिणी, वो तो तुम्हें पाना चाहता था ना, आखिर उसी के लिए तो वो सेनापति बना था। जब सेनापति बनने के लिए उसने सारी कसौटियां पार कर ली तो क्या तुम्हें पाने की चाह में वो वहां पृथ्वी लोक नहीं आया। यक्षिणी अनुराग के सवालों का जवाब देते हुए कहती है, पृथ्वी लोक पर आना इतना आसान नहीं लेखक बाबू। यक्षिण लोक से तभी कोई यक्ष यक्षिणी पृथ्वी लोक पर आ सकता है जब कोई उन्हें बुलाता है, उनकी साधना करता है, पर रज्जन की किसी ने साधना ही नहीं करी, और बिना किसी के बुलाए वो इस लोक में नहीं आ सकता, उसके पास वो शक्तियां नहीं थी। अनुराग पलट कर कहता है, फिर क्या हुआ यक्षिणी, क्या यक्ष ने तुम्हें पाने का इरादा बदल दिया, भूल गया वो तुम्हें। यक्षिणी अनुराग की आंखों में देखते हुए जवाब देती है, यक्ष कभी अपना इरादा नहीं बदलते हैं लेखक बाबू, एक बार जो ठान लेते हैं उसे करके ही दम भरते हैं। रज्जन मुझे किसी भी कीमत पर पाना चाहता था, वो रास्ता खोजने लग गया था कि किस तरह से वो पृथ्वी लोक पर आ सके। कई साधनाएं तपस्या करने लगा, पृथ्वी लोक के अस्तित्व के बारे में पता करने लग गया, और पृथ्वी लोक के बारे में पता करते हुए ही उसे स्वर्ण सीढ़ियों के बारे में पता चला। अनुराग हड़बड़ाहट के साथ यक्षिणी से पूछता है, स्वर्ण सीढ़ियां, कैसी स्वर्ण सीढ़ियां। यक्षिणी अनुराग से कहती है, आपने लुम सोहपेट बिनेंग पहाड़ी का नाम सुना है लेखक बाबू। अनुराग कुछ सोचते हुए कहता है, लुम सोहपेट बिनेंग वही पहाड़ी जो हमारी शिलोंग से 13 मील दूर उत्तर में स्थित है, उमियाम झील के पास। यक्षिणी हामी भरते हुए कहती है, हाँ वही लेखक बाबू, मैं उसी पहाड़ी की बात कर रही हूँ। आपको सोहपेट बिनेंग का मतलब क्या होता है पता है। अनुराग खामोश रहता है। उसकी खामोशी से यक्षिणी समझ जाती है कि अनुराग को सोहपेट बिनेंग का मतलब नहीं पता था। यक्षिणी खुद ही बोल पड़ती है,
सोपिट बिनेंग का अर्थ होता है स्वर्ग का केंद्र, जिसे स्वर्ग की नाभि भी कहा जाता है। अनुराग यक्षिणी की बात सुनते हुए कहता है, स्वर्ग की नाभि, ये तो सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। यक्षिणी, मुझे इसके बारे में और जानना है, मुझे इसके बारे में और बताओ। यक्षिणी कहती है, लेखक बाबू कहते हैं जब पृथ्वी लोक का निर्माण हो रहा था तब स्वर्ण सीढ़ियां इसी सोपिट बिनेंग की पहाड़ी पर थी, एक गगनचुंबी वृक्ष के रूप में। ये वृक्ष सीढ़ियों के रूप में था जो सोने की तरह चमकते रहता था, जिस कारण इसे स्वर्ण सीढ़ियां कहा जाता था। इसे कई दैवीय शक्तियों से बनाया गया था, इसी के सहारे आकाशीय शक्तियां पृथ्वी पर आती जाती रहती थी। उस समय पृथ्वी लोक पर मनुष्य जाति निवास नहीं करती थी। अनुराग यक्षिणी को बीच में टोकते हुए कहता है, मतलब तुम ये कहना चाहती हो यक्षिणी, उस वक्त पृथ्वी लोक पर इंसानों का अस्तित्व नहीं था। यक्षिणी कहती है, हाँ लेखक बाबू, अस्तित्व था तो सुनहरे पेड़ पौधों फूलों का, उन्हीं के सौंदर्य से आकर्षित होकर अक्सर स्वर्ग की शक्तियां पृथ्वी लोक पर आती जाती रहती थी। अनुराग मुंह बनाते हुए कहता है, स्वर्ग की शक्तियां मतलब? यक्षिणी जवाब देती है, मतलब स्वर्ग के लोग जिनके पास अद्भुत शक्तियां थीं, पर सबके पास अलग अलग, जिन्हें आकाशीय शक्तियां भी कहा जाता है। पृथ्वी लोक उस समय अत्यंत सुंदर था, जब उन स्वर्गीय शक्ति ने देखा कि सोपिट बिनेंग की भूमि उपजाऊ तथा कृषि योग्य है, तो उन्होंने यहाँ खेती करनी शुरू कर दी। वो दिन भर खेती करते लेकिन रात होते ही वापस स्वर्ग चले जाते, कभी रात में पृथ्वी लोक पर नहीं रुकते। अनुराग हैरानी के साथ यक्षिणी से पूछता है, रात होते ही वापस चले जाते पर क्यों यक्षिणी, क्यों वो कभी रात में पृथ्वी लोक पर नहीं रुकते थे? यक्षिणी अनुराग के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, ईश्वरीय विधान के कारण लेखक बाबू, उन्हें पृथ्वी लोक पर रात गुजारने की इजाजत नहीं थी। अनुराग खामोश रहता है, चुपचाप यक्षिणी से कहानी सुनते रहता है। यक्षिणी अपनी बात आगे जारी रखते हुए कहती है, स्वर्गीय शक्तियों में 16 परिवार यानी 16 कुल पृथ्वी पर खेती करने आया करते थे। स्वर्गीय शक्तियों में से कुछ कुलों को अपनी शक्तियां और बढ़ानी थी, प्रजा के रूप में कार्य करने के बजाय वो समस्त लोगों पर शासन करना चाहते थे। वो कुल अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के उपाय खोजते रहते थे और फिर उन्होंने एक साजिश रची। अनुराग तुरंत पूछता है, साजिश, कैसी साजिश यक्षिणी? यक्षिणी अनुराग के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, एक दिन 16 में से 7 परिवार पृथ्वी पर आए हुए थे, 9 परिवार स्वर्ग में ही थे। सभी लोग खेतों में काम कर रहे थे। कुछ स्वर्गीय शक्ति ने धीरे से स्वर्गीय वृक्ष रूपी स्वर्ण सीढ़ी को अपनी शक्तियों से लुप्त कर दिया, जिस कारण स्वर्ण सीढ़ी गायब हो गई और पृथ्वी पर आए 7 परिवार वापस स्वर्ग नहीं जा सके, उन्हें वो सीढ़ियां दिखी ही नहीं। अनुराग यक्षिणी को बीच में टोकते हुए कहता है, फिर उन 7 परिवारों का क्या हुआ यक्षिणी? यक्षिणी कहती है, ईश्वर को उन 7 कुलों पर दया आई और ईश्वर ने उन्हें मौसम के अनुसार विभिन्न फसलों को उगाने की कला सिखाई और उन्हें अच्छी फसल का आशीर्वाद दिया। उन 7 परिवार में ही मनुष्य जाति भी थी, इस प्रकार मनुष्य जाति पृथ्वी पर बस गई। इन्हीं 7 परिवारों को मेघालय में हिन्ने वत्रेप के नाम से जाना जाता है। अनुराग यक्षिणी को बीच में टोकते हुए कहता है, हिन्ने वत्रेप जो खासी जाति का आधिकारिक नाम है, जिसका मतलब होता है 7 झोपड़ियां या 7 परिवार, वो 7 संस्थापक कबीले जिनमें खिनरियाम, पनार, भोई, युद्ध, मरम, लिंगगम और विलुप्त डिंको आते हैं। यक्षिणी हामी भरते हुए कहती है, आपने बिल्कुल सही कहा लेखक बाबू, आपको ये सब कैसे पता? अनुराग कहता है, मैंने किताबों में पढ़ा है यक्षिणी, जब मैं मेघालय के इतिहास के बारे में पढ़ रहा था तब। तुम ये सब छोड़ो और आगे क्या हुआ मुझे ये बताओ। यक्षिणी एक लंबी आह भरते हुए कहती है, जब रज्जन को इस बात का पता चला कि पुराने काल में स्वर्ण सीढ़ियों के द्वारा आकाशीय शक्तियां पृथ्वी लोक पर आया करती थी, तो रज्जन ने भी उन सीढ़ियों को खोजना शुरू कर दिया, पर उसे वो सीढ़ियां नहीं दिखी क्योंकि वो लुप्त हो गई थी। सिर्फ एक ही शख्स को पता था कि वो स्वर्ण सीढ़ियां कहां थी, जो उसे दोबारा उजागर कर सकते थे अपनी शक्तियों से। अनुराग यक्षिणी से पूछता है, कौन थे वो शख्स यक्षिणी जिन्हें पता था कि स्वर्ण सीढ़ियां कहां पर हैं? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।
अनुराग यक्षिणी से पूछता है, कौन थे वो शख्स यक्षिणी जिन्हें पता था कि स्वर्ण सीढ़ियां कहां पर हैं? यक्षिणी अनुराग के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, और कौन हो सकते हैं लेखक बाबू, वो स्वर्ण सीढ़ियां स्वर्गलोक और पृथ्वीलोक को जोड़ती थी, तो जाहिर सी बात है उस सीढ़ी का अस्तित्व स्वर्गलोक में था, और स्वर्गलोक के राजा कोई और नहीं इंद्रदेव है, उन्हें ही पता था कि वो सीढ़ियां कहां पर थी, वही उन सीढ़ियों को दोबारा उजागर कर सकते थे। अनुराग हड़बड़ाहट के साथ यक्षिणी से पूछता है, फिर क्या हुआ यक्षिणी, क्या इंद्रदेव ने उन सीढ़ियों को दोबारा उजागर कर दिया रज्जन के लिए? यक्षिणी कुछ सोचते हुए कहती है, रज्जन इंद्रदेव के पास गया तो था लेखक बाबू, पर स्वर्गलोक में क्या हुआ, इंद्रदेव ने उन सीढ़ियों को उजागर किया या नहीं किया, इंद्रदेव रज्जन के बीच क्या बातें हुई, ये सब मुझे नहीं पता। लेकिन इतना कहकर यक्षिणी खुद चुप हो जाती है। अनुराग तुरंत पूछता है, लेकिन क्या यक्षिणी, तुम चुप क्यों हो गई, मुझे सब कुछ बताओ यक्षिणी। यक्षिणी धीरे से किसी सोच में डूबे हुए कहती है, हाँ बता रही हूँ लेखक बाबू, सब कुछ बता रही हूँ। कई सालों बाद मुझे एहसास हुआ था जैसे कोई आकाशीय शक्ति दूसरे लोक से पृथ्वी लोक पर आ रही हो। अनुराग यक्षिणी को एकटक नजर से देखते हुए कहता है, यक्षिणी मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि इंद्रदेव ने वो स्वर्ण सीढ़ियां फिर से उजागर की थी रज्जन के लिए, और रज्जन उन सीढ़ियों से पृथ्वी लोक पर आया था। यक्षिणी अनुराग के समक्ष अपनी बातें रखते हुए कहती है, लेखक बाबू वो सीढ़ियां तो उजागर हुई थी, पर उन सीढ़ियों से रज्जन पृथ्वी लोक पर आया था या कोई और आकाशीय शक्ति, ये मैं नहीं कह सकती। मैं तो ये भी पूरी तरह नहीं कह सकती कि उन सीढ़ियों से कोई पृथ्वी लोक पर आया था या नहीं, क्योंकि वो सीढ़ियां ज्यादा वक्त के लिए उजागर नहीं हुई थी, कुछ ही पल के लिए हुई थी, वो भी शाम के वक्त, और रात होते ही गायब हो गई थी। जिस दिन वो स्वर्ण सीढ़ियां उजागर हुई थी उस रात अमावस्या थी, जिस कारण मैं वहां पर जा नहीं पाई क्योंकि मुझे भोग की तैयारी करनी थी। अनुराग खामोशी के साथ यक्षिणी की सारी बातें सुनते रहता है। यक्षिणी कुछ सोचते हुए खुद ही बोल पड़ती है, अगर उन सीढ़ियों से उस दिन रज्जन आया होता तो मुझसे मिलने जरूर आता, आखिर वो मेरे लिए ही तो यक्षिण लोक से पृथ्वी लोक पर आना चाहता था, पर वो मुझसे अभी तक मिला नहीं, इसलिए मुझे लगता है कि रज्जन पृथ्वी लोक आया ही नहीं। अनुराग परेशान होते हुए कहता है, पर यक्षिणी तुमने अभी तो कहा स्वर्ण सीढ़ियां उजागर हुई थी, तो मुझे तो लगता है उससे रज्जन ही आया होगा, आखिर वही तो गया था ना इंद्रदेव के पास स्वर्ण सीढ़ियों की मांग लेकर। यक्षिणी हामी भरते हुए कहती है, हाँ गया था लेखक बाबू, पर मैंने कहा ना आपसे स्वर्ग लोक में उनके बीच क्या बातें हुई थी ये मुझे नहीं पता। अनुराग को ना जाने क्यों ऐसा लगने लग जाता है जैसे यक्षिणी उससे कुछ छुपा रही हो। अनुराग धीरे से अपने मन के सवाल यक्षिणी से पूछते हुए कहता है, यक्षिणी तुम तो सदियों से पृथ्वी लोक पर हो ना अपने अभिशाप के कारण, फिर तुम्हें कैसे पता कि तुम्हारे जाने के बाद यक्षिण लोक में क्या हुआ? यक्षिणी अनुराग के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, मेरे ताज के कारण लेखक बाबू, मेरे ताज में जो लाल हीरा लगा हुआ था वो यक्षिण लोक से जुड़ा हुआ था, जिस कारण यक्षिण लोक में जो भी होता था सब मुझे पता चलते रहता था। यक्षिणी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही अनुराग उसे बीच में टोकते हुए हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, तुम्हें यक्षिण लोक में क्या हुआ, कैसे हुआ सब पता है, लेकिन फिर ये क्यों नहीं पता कि जब रज्जन स्वर्गलोक गया था तो उसके और इंद्रदेव के बीच क्या बातें हुई थी, इंद्रदेव ने उससे क्या कहा था? यक्षिणी अनुराग के सवालों से परेशान होते हुए कहती है, क्योंकि लेखक बाबू मेरा ताज यक्षिण लोक से जुड़ा हुआ है, स्वर्ग लोक से नहीं, मैं यक्षिण लोक की रानी हूँ, स्वर्ग लोक की नहीं। हर लोक के अपने अपने कवच होते हैं, वो स्वर्ग लोक है, उसके कवच को भेदना इतना आसान नहीं है, इसलिए मैं उसके अंदर नहीं देख पाई कि इंद्रदेव और रज्जन के बीच क्या बातें हुई। अनुराग अपना दिमाग और दौड़ाते हुए यक्षिणी से फिर पूछ बैठता है, यक्षिणी स्वर्गलोक में इंद्रदेव और रज्जन के बीच क्या बातें हुई ये तुम्हें नहीं पता, लेकिन ये तो पता होगा ही ना कि आखिर स्वर्गलोक से जाने के बाद रज्जन का क्या हुआ, वो पृथ्वी लोक पर गया या फिर वापस अपने यक्षिण लोक में? यक्षिणी मायूसी के साथ कहती है, उस दिन के बाद में रज्जन का क्या हुआ छोड़िए लेखक बाबू, मैं तो ये भी नहीं देख पाई कि मेरे यक्षिण लोक का क्या हुआ, वो किस हाल में है? अनुराग हैरानी के साथ पूछता है, क्यों यक्षिणी ऐसा क्यों? यक्षिणी जवाब देती है, मैंने आपको बताया ना लेखक बाबू, जिस दिन स्वर्ण सीढ़ियां उजागर हुई थी वो अमावस्या की रात थी, और उस रात मेरा सामना किसी और से नहीं अघोरी से हुआ था, और उस रात अघोरी ने मुझसे मेरा ताज छीन लिया था, जिस कारण मैं दोबारा देख ही नहीं पाई कि मेरे लोक में क्या चल रहा है, रज्जन वापस से यक्षिण लोक गया भी था या नहीं।
यक्षिणी की बात सुनकर अनुराग एकदम खामोश हो जाता है। वो यक्षिणी से फिर पलटकर कुछ नहीं पूछ पाता है, पर अनुराग के मन में खामोश होने के बावजूद भी कई सारे सवाल चल रहे थे। अनुराग मन ही मन सोचने लग जाता है, आखिर क्या हुआ होगा रज्जन का? वो पृथ्वी लोक पर होगा या फिर वापस से अपने यक्षिण लोक चले गया होगा? पर वो वापस से यक्षिण लोक क्यों जाएगा? आखिर उसका मकसद यक्षिणी को पाना ही तो था। उसी के लिए तो इंद्रदेव ने स्वर्ण सीढ़ियां वापस से उजागर करी थी। आखिर रज्जन और इंद्रदेव के बीच ऐसी क्या बात हुई होगी कि इंद्रदेव रज्जन की बात मान गए होंगे? जितना मैंने इंद्रदेव के बारे में पढ़ा है, वो इतनी आसानी से तो किसी की बात नहीं मानते हैं। लेकिन अगर रज्जन पृथ्वी लोक आता तो यक्षिणी का कहना भी बिल्कुल ठीक था, वो उससे मिलता जरूर। कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर इस रज्जन का हुआ क्या, ये है कहाँ पर? एक ही साथ अनुराग के मन में कई सारे सवाल चलने लग गए थे। इन सब सवालों के बारे में सोचते हुए अनुराग का दिमाग बुरी तरह फंस गया था, इतना ज्यादा कि उसका यक्षिणी पर ध्यान ही नहीं था। अनुराग यक्षिणी से कुछ और पूछता या यक्षिणी अनुराग से कुछ कहती, उससे पहले ही यक्षिणी की नजर खिड़की पर पड़ जाती है और केसरिया आसमान को देखकर वो समझ जाती है कि सूर्य उदय होने वाला था और उसके जाने का वक्त हो गया था। यक्षिणी धीरे से अनुराग से कहती है, मैं जा रही हूँ लेखक बाबू, मुझे जाना होगा। अनुराग यक्षिणी की बात का कुछ जवाब नहीं देता है, वो अभी भी रज्जन के बारे में ही सोच रहा था। वो सोच में इस तरह खो गया था कि उसे यक्षिणी की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। यक्षिणी फिर अनुराग से कहती है, मैंने कहा मैं जा रही हूँ लेखक बाबू। अनुराग अभी भी कुछ नहीं कहता है। यक्षिणी चिढ़ते हुए कुछ गुस्से के साथ अनुराग को हिलाते हुए कहती है, लेखक बाबू कहाँ खोए हुए हैं आप? मैंने कहा मैं जा रही हूँ, आपका ध्यान कहाँ है? जब यक्षिणी अनुराग को झंझोड़ती है, तब जाकर अनुराग अपने ख्यालों की दुनिया में से बाहर आ पाता है और हड़बड़ाहट के साथ यक्षिणी से कहता है, कहीं नहीं यक्षिणी, कहीं नहीं। अनुराग आराम से कहता है, तुम जा रही हो यक्षिणी, जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। यक्षिणी अनुराग के आलिंगन लगती है और वहां से चली जाती है। यक्षिणी के जाने के बाद भी अनुराग का मन शांत नहीं बैठता है। रह रहकर उसके मन में रज्जन का ख्याल ही आ रहा था, वो उसी के बारे में सोचे जा रहा था। अनुराग मन में सोचने लग जाता है, ये रज्जन तो मुझे उस अघोरी और मायाधारी से भी ज्यादा जोरदार किरदार लग रहा है। इसके बारे में तो यक्षिणी की कहानी में लिखना ही पड़ेगा। पर इसके और इंद्रदेव के बीच में स्वर्गलोक में क्या बातें हुई थी, ये जानना मेरा बहुत जरूरी है, तभी कहानी लिखने में मजा आएगा। मुझे पता करना है, पर कैसे पता करूं? यक्षिणी को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। अनुराग परेशान हो जाता है, उसके समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बहुत सोचने के बाद अनुराग एक फैसले पर पहुंचता है और वो खुद से बड़बड़ाता है। अगर रज्जन के पास पृथ्वी लोक पर आने का कोई रास्ता था तो वो सिर्फ स्वर्ण सीढ़ियां थी, और यक्षिणी ने मुझसे अभी खुद कहा कि उसे उन स्वर्ण सीढ़ियों के उजागर होने का एहसास हुआ था। इसका मतलब जरूर रज्जन ही आया होगा। मेरा मन कहता है मुझे उस जगह पर जाना होगा, हो सकता है वहीं पर मुझे वो यक्ष रज्जन मिल जाए। एक बार अगर वो यक्ष मिल जाए तो मैं फिर उससे सब कुछ पूछ लूंगा। अनुराग कुछ अंदाजा लगाते हुए बड़बड़ा पड़ता है, सोपिट बिनिंग की पहाड़ी मेहंदी पथार से ज्यादा दूर नहीं है, बस यहाँ से 4-5 घंटे का रास्ता है, मुझे वहां पर जाना होगा। वहीं पर जाकर मुझे रज्जन के बारे में कुछ पता चल सकता है। इतना कहकर अनुराग टेबल के साइड में रखा अपना खादी का झोला उठाता है, उसके अंदर पेन डायरी रखता है और सोपिट बिनिंग की पहाड़ी जाने के लिए निकल जाता है। इस तरफ दिलीप ने अपने हाथ में एक बड़ा सा मटका पकड़ा हुआ था, जिसके चारों तरफ भभूत लगी हुई थी। उस मटके के ऊपरी सिरे पर लाल कपड़ा बंधा हुआ था। दिलीप के चेहरे के हाव भाव देख कर साफ समझ आ रहा था कि वो मटका काफी भारी था, जिसे वो काफी देर से पकड़े हुए था। उस मटके को अपने दोनों हाथों से पकड़ कर दिलीप एक अंधेरी गुफा के अंदर आगे बढ़ाते जा रहा था। दिलीप अपने कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, इस मायाधारी का साथ मुझे देना ही नहीं चाहिए था, इसके लिए ये क्या क्या करना पड़ रहा है मुझे, और पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। दिलीप मायाधारी को कोसते हुए आगे बढ़ते जा रहा था। जैसे जैसे दिलीप आगे बढ़ रहा था, दिलीप के अंदर का डर भी बढ़ते जा रहा था। दिलीप अपने आसपास फैली लंबी लंबी वृक्ष की जटाओं को देखते हुए कहता है, ये मायाधारी ने क्या हाल बना दिया है इस जगह का, पहले तो ये ऐसा नहीं था, लगता है इस मायाधारी ने इस गुफा में अपना मायाजाल बिछाना शुरू कर दिया है। मुझे संभल कर कदम बढ़ाना चाहिए, अगर कहीं फंस गया और ये मटकी मेरे हाथ से गिर गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे,
वो मायाधारी यक्षिणी से पहले मुझे मार देगी। दिलीप मटके को लेकर धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाए जा रहा था कि उसके कदम अपने आप थम जाते हैं। उसकी आंखों के सामने कोई और नहीं बल्कि मायाधारी थी, जो ध्यान अवस्था में बैठी हुई थी। दिलीप मायाधारी से कुछ कहता, उससे पहले मायाधारी बोल पड़ती है, दिलीप आ गया तू? जो मैंने बोला था वो लाया या नहीं लाया? दिलीप हकलाते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता कि मैं आया हूँ? मायाधारी हंसते हुए कहती है, तू शायद भूल रहा है कौन हूँ मैं। मैं मायाधारी हूँ मायाधारी। मैं देख नहीं सकती तो क्या हुआ, कदमों की आहट सुनकर पहचान सकती हूँ कि कौन आया है। दिलीप खामोशी रहता है, डरते हुए मायाधारी को देखते रहता है। मायाधारी फिर दिलीप से बोल पड़ती है, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, मैंने जो बोला था वो तू लाया या नहीं लाया? दिलीप हड़बड़ाहट के साथ बोल पड़ता है, हाँ हाँ लाया हूँ मायाधारी, उसके बिना तुम्हारे पास कैसे आ जाता? तुम्हें पता भी है कितनी मुश्किलों से ये मिली है? दिलीप एक लंबी आह भरते हुए कहता है, पहले तो जो मंत्र तुमने बताया था उसका बार बार जाप करके मैंने ये मटकी खुद अपने हाथों से बनाई। उसके बाद जैसा कि तुमने कहा था, मैं इस मटकी को किश्नोई नदी के एकदम बीचों बीच ले गया और जैसे ही मैंने इसे डुबाया पानी में हलचल होने लग गई। मैं तो डर ही गया था, ऐसा लग रहा था जैसे कोई उफान आ रहा है, पर फिर भी मैं वहां पर खड़ा रहा क्योंकि तुमने कहा था चाहे कुछ भी हो एक बार मटकी डुबाने के बाद एक कदम भी आगे मत बढ़ाना, वरना तू दुनिया से आगे बढ़ जाएगा। मायाधारी चुपचाप दिलीप की सारी बातें सुनती रहती है, जानती रहती है कि उसके साथ क्या क्या हुआ था। दिलीप अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, मैंने उस मटकी को पानी में डुबाया ही हुआ था कि तभी मुझे एहसास हुआ जैसे कोई चीज मटके के अंदर आई हो। ये एहसास मुझे दो बार हुआ। तुमने कहा था चाहे कुछ भी हो जाए रात भर मुझे नदी में ही रहना है, और मैं वहीं पर रहा। जब सुबह हुई और मैंने मटकी के अंदर झांका तो देखा उसके अंदर तुम्हारी आंखें थी। जैसे दिलीप ये बात बोलता है मायाधारी खुश होने लग जाती है, उसकी ये खुशी उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। दिलीप आगे कहता है, तुम्हारी वही आंखें जो यक्षिणी ने नोच कर पानी में फेंक दी थी। सच सच बताओ ये सब तुम्हारे उस मंत्र के कारण हुआ था ना जो तुमने मुझे रास्ते में बताया था? मायाधारी कहती है, हाँ उसी की वजह से हुआ था पागल, और किस वजह से होगा? ये बता तूने इसके अंदर 7 कब्रिस्तान की मिट्टी डाली या नहीं डाली? दिलीप हड़बड़ाहट के साथ बोलता है, हाँ हाँ डाली है, तभी तो मुझे आने में देर हो गई, और मैंने तुम्हारा बताया हुआ आखिरी मंत्र पढ़कर इस पर लाल कपड़ा भी बांध दिया है, 7 कब्रिस्तान की भस्म को एक साथ मिलाकर। मायाधारी अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है, ला इसे मुझे दे ये मटका। दिलीप वो मटका मायाधारी के हाथ में थमा देता है। मायाधारी जैसे ही उस मटकी को थामती है खुश होने लग जाती है, जैसे उसे उसकी आंखों के वहां पर होने का एहसास हो रहा है जो मटकी के अंदर मौजूद थी। वो अपनी आंखों को महसूस कर पा रही थी। दिलीप हिचकिचाहट के साथ हिम्मत करते हुए कहता है, वैसे तुम इनका करने क्या वाली हो मायाधारी? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।